हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैट कैम सॉल्यूशन मेरठ। और एन एक्स कैम के अंदर हम लोग आज छोटे छोटे दो तीन ऑपरेशन करने वाले हैं। एक तो हमारे पास कॉर्नर रफिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कैविटी मिलकर रखा है। जेड लेवल प्रोफाइलिंग स्टीप एरिया को फिनिश करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। और फिर जेड लेवल कॉर्नर जो कॉर्नर्स हैं उनको फिनिश करने के लिए लिया है। और इसके अंदर नॉन स्टीप एरिया ऊपर वाला जो फेस है इसको फिनिश करने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। आप इसके अंदर इसके ऑर्डर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकंड या इसे ड्रैग करके इससे नीचे ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये काम किया है और उसके बाद कैविटी मिल गया है। तो ठीक है, ये आपका रीऑर्डर यहाँ से पॉसिबल है। रीऑर्डरिंग भी हम इसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। करते हैं शुरू से। तो यहाँ से आते हैं और क्रिएट में जाके यहाँ से मैं लेता हूँ न्यू वर्कपीस पर इसका नाम है। और ये एम सी एस मिल इस वाले के अंदर ही जाना चाहिए जो कि हमारे कॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा, मशीन कॉर्डिंग सिस्टम। पार्ट को मैंने ये लेके सेलेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ से ब्लैंक ले लेते हैं। ब्लैंक के लिए आप कोई ज्योमेट्री भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल ब्लॉक ले लेते हैं। और ये जो डायरेक्शन है इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए क्योंकि कर्व में है। एक्सक्यूज मी, 2 mm। और ओके तो पार्ट मैंने डिफाइन कर दिया है। और अब यहाँ से हम जाते हैं और क्रिएट ऑपरेशन में। सबसे पहले मैं कैविटी मिल ले रहा हूँ और प्रोग्राम में जाना चाहिए। और यहाँ से मिलिंग का एक टूल ले लेते हैं। रफिंग का मेरा ऑपरेशन है वर्कपीस नहीं, वर्कपीस 1 जो मैंने बाद में बनाया है वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, और अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे तो सिर्फ वही कट होगा जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये पूरे को ले लेगा। तो मैं इसे सामने से लेता हूँ और यहाँ से कट एरिया ले लेते हैं। और कट एरिया हमारा है ये वाला, तो ये एरिया मैं कट करना चाहता हूँ। और ओके करते हैं। और टूल एक्सेस ऑलरेडी डिफाइंड है, यहाँ से आप इसे 0.5 ले सकते हैं। 0.5 डेप्थ ऑफ कट मेरी 0.5 हो जाएगी, लेकिन 0.5 काटने में बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर ले लेगा। तो अभी के लिए मैं इसको 1 या 2 कर देता हूँ, बाद में कंफर्म होने के बाद हम इसे चेंज कर लेंगे। जब टूल पाथ आपको लगता है ठीक आ गया है, करेक्ट हो गया है, सारी चीज़ें ठीक बन गई है, लास्ट में आप इसे चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसे हम जनरेट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो ये हो गया है। ये आप देखेंगे तो ये जो है ना नीचे का फेस, ये भी हमारा कुछ टेपर में ही है। और एक कैंसिल करते हैं इसे, जून ही कर देता हूँ अभी के लिए। इतने ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। कई बार पार्ट बहुत बड़ा होता है और फिर हम जब डेप्थ ऑफ कट डालते हैं वो बहुत कम होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम कर लेता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ओके, अभी ये क्या कर रहा है, ये लेवल बेस कट कर रहा है, फर्स्ट लेवल को कट कर रहा है, फिर फर्स्ट लेवल को इधर कट कर रहा है। तो मैं इसे स्टॉप करता हूँ और इसको चेंज करके कर देता हूँ मैं डेप्थ बेस। तो उसके लिए आपको जाना है कटिंग पैरामीटर के अंदर और यहाँ से ऑर्डर को लेबल फर्स्ट कीजिएगा, आप डेप्थ फर्स्ट कर दीजिए तो ये डेप्थ को कट करेगा। अगर आप फाइनल पास एक फिनिशिंग पास भी इसी में ही देना चाहते हैं तो फिनिशिंग पास भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसे नहीं ले रहे हैं, इसे ओके करते हैं और जनरेट। सेकंड पॉकेट, फिर ये थर्ड पॉकेट, तो ये डेप्थ के अकॉर्डिंग कट करेगा। और रफिंग में जो ये है 1 mm का स्टॉक छोड़ रहा है, बाद में हम फिनिशिंग के लिए जेड लेवल प्रोफाइलिंग वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अगर आप एनएक्स कैम की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो भी अभी अवेलेबल है। ड्यू टू लॉकडाउन काफ़ी सारे जो वर्किंग है वो ले रहे हैं। आप भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसे ओके करते हैं और इसे ओके कर देता हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है मेरा वो डन हो गया। नेक्स्ट यहाँ से जाता हूँ मैं और नेक्स्ट के लिए मेरे को कॉर्नर करना है यहाँ से। तो मैं कॉर्नर रफिंग ले लेता हूँ, ये स्टीप नॉन स्टीप वाला हम बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये चलिए इसे ले लेते हैं, ये ऑपरेशन हमारा ये है। यहाँ से कंट्रोल नॉन स्टीप एरिया और यहाँ से मैं बॉल मिल यूज़ कर लेता हूँ वर्कपीस। और इसे हम कर देते हैं, पहले रफिंग भी करनी होगी मुझे
तो रफ ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए, क्लिक, ओके। और यहाँ से आप इसे कर दीजिए फॉलो पैरा कैरी, इसे कर देते हैं हम यहाँ से 25%, 26% नो प्रॉब्लम, ओके। और इसे कहते हैं जनरेट। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आ गया है, तो हम इसे एडिट में जाते हैं और इसे कर देते हैं हम जिगजैग ले लेते हैं, ओके। फॉलो पैर खरी में नहीं आ रहा था, जिगजैग में ले लेते हैं, और ओके जनरेट इस तरीके से आ रहा है। तो इसको मैं लेता हूँ और इसे फॉलो पैराफेरी ही ले लेते हैं, और इसको हम कम कर लेते हैं, और फिर इसे जनरेट करिए, और इसको मैं वेरीफाई करा के दिखाता हूँ आपको। टूल काफ़ी बड़ा है। अभी ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये फिनिशिंग के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो ये पूरा एक ही कट में पूरे मटेरियल को रिमूव कर रहा है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, कुछ मटेरियल बच भी रहा है, तो इसको हम नंबर ऑफ लेबल में ले लेते हैं। जो बचा हुआ मटेरियल है वो आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर कितना निकल रहा था, तो 2-3 mm मेरे ख्याल से था शायद, तो इसको मैं मल्टी पास में ले लेता हूँ। और इसको हम कर देते हैं 3 mm का मल्टी डेप्थ, और इंक्रीमेंट 1-1 का ले लेता हूँ मैं, ओके। और फिर से जनरेट करते हैं, और यहाँ से आप देख लीजिए, बस देखिए, ओके, ये 3 लेवल आपके आ गए हैं। और यहाँ से वेरीफाई, सेकंड पास। अब एक फाइनल पास मैं और लेना चाहता हूँ, जो कि फिनिशिंग के लिए मैं ले रहा हूँ, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और एक फिनिश पास डाल देंगे हम फिनिश के लिए, ओके करते हैं, और ओके इसी को ही राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसे कर देते हैं पेस्ट इन साइड, और डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से सब कुछ ठीक है हमारा, और यहाँ से भी ठीक है, ये भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, कैंसिल। बस आपको रफ की जगह करना है फिनिश, मल्टी पास मुझे नहीं चाहिए, तो आप मल्टी पास को हटा दीजिएगा और इसे 0-0 कर देते हैं, ओके। और जनरेट, तो अब ये हमारा फिनिशिंग का पास लग जाएगा। ओके, ये फिनिशिंग का पास मेरा आ गया। अब जो पॉकेट है हमारी, उन कैविटी के अंदर मेरे को चाहिए, तो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर लेते हैं जेड लेवल प्रोफाइलिंग और एक छोटा टूल। या पहले आप ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे मटेरियल, यहाँ पे काफ़ी सारा बच रहा है, तो इन कॉर्नर के लिए मैं ले लेता हूँ कॉर्नर रफ कॉर्नर, ओके। और यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट में, और यहाँ पे है मेरे पास ये ऑपरेशन, ठीक है, कॉर्नर रफ। कॉर्नर रफ में जाएंगे, मिलिंग का 4 mm का मैंने टूल लिया, रफ ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि रेफरेंस टूल कौन से टूल पाथ को ये फॉलो करें, तो ये फॉलो करना चाहिए जो रफिंग का हमारा ऑपरेशन था कैविटी मिल, उस वाले टूल को फॉलो करें, उस टूल का नाम था मिलिंग का। तो इस मिलिंग के टूल के बाद जो मटेरियल बच रहा है उसको ये देखेगा और उसे कट करेगा। स्टीप ऑनली एंगल 65, और ये डेप्थ ऑफ कट 2 की है, आप 1 की भी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है, बस एक्चुअल में 0.5 या 1 ऐसा ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ सिमुलेशन है हमारा, तो इसलिए हम इसे 2 mm का ले रहे हैं। कंप्यूटिंग IPW, IPW होता है इन प्रोसेस वर्क पीस, इन प्रोसेस वर्क पीस जो अभी हमारा ब्लू कलर का आएगा और ग्रीन कलर का, ये जो आ रहा है ये हमारा इन प्रोसेस वर्क पीस है। अब एक्चुअल में बिल्कुल आप एग्जैक्टली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रेफरेंस पार्ट है, ये मेरा रेफरेंस पार्ट है, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। अभी क्या है, स्टॉक में से कटना चाहिए, वर्क पीस मैंने हटा दिया है, तो आप यहाँ से जाएँ और अब अगर से वेरीफाई करेंगे, और अब जो आपको दिखेगा वो इन प्रोसेस वर्क पीस है, उसमें पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये हमारा इन प्रोसेस वर्क पीस है।
एक्चुअल में जो मेरा स्टॉक मटेरियल था, ब्लॉक था, वो कटेगा तो कटने के बाद ऐसा दिखाई देने वाला है, और उसको मैंने रेफरेंस पार्ट को मैंने हाइड कर दिया है। ओके, तो होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अंडू कर लेता हूँ मैं, मेरा पार्ट वापस आ जाएगा। अब फिनिशिंग ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं, तो क्रिएट में जाएंगे और यहाँ से ये वाला ऑपरेशन आता गई जेड लेवल प्रोफाइलिंग, और मिलिंग का टूल बॉल मिल ले लेता हूँ मैं, बॉल मिल, और रफिंग की जगह आप फिनिश रखिएगा। ओके, और सिलेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी को, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, तो मैं ऐसे सिलेक्शन कर ही लेता हूँ, और सिलेक्शन में मैंने ये वाला ले लिया। ओके, और यहाँ से डेप्थ ऑफ कट 1। ओके, और फिर आगे चलते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं इसे जनरेट। ये आ गया है, तो जो मटेरियल बचा हुआ है सिर्फ उसी को कट कर रहा है। टूल थोड़ा सा अभी देखिए बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बाकी मटेरियल बचेगा उसको हम छोटे, जो मटेरियल बचेगा उसे छोटे टूल से रिमूव कर लेंगे फिनिशिंग में। ओके, टूल जहाँ तक जा सकता था ये चला गया है। ओके, अभी अगर चाहिए तो हम एक टूल लेके इसको ले सकते हैं, ठीक है, नीचे का भी फिनिश हो जाएगा, पर अभी मैं नीचे का नहीं ले रहा हूँ, अभी जो नेक्स्ट है मेरा वो जेड लेवल कॉर्नर, इसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ से आता है हमारा जेड लेवल कॉर्नर, जेड लेवल कॉर्नर कॉर्नर को फिनिशिंग करने के लिए आप इसे यूज़ करेंगे। और टूल मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ, मिलिंग का फोर बॉल मिल 4 mm का। ओके, और ये अब सिलेक्शन नहीं करना है आपको, आपको लेना है टूल, टूल हमारा था बॉल मिल 7.5 का, जो भी लास्ट मैंने कॉर्नर जेड लेवल प्रोफाइलिंग में यूज़ किया है। इसे कर देते हैं 1, और आप कर दीजिए इसे जनरेट। ये 1 ले लिया है तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो डेप्थ ऑफ कट है। ओके, तो ये हमारा आ गया है, इसे वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ से जाइए, हाँ वेरीफाई कंप्लीटिंग IPW। ओके, नीचे फिर हमारा फिलेट आता है, उसके लिए फिर हमें अलग ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रफिंग का भी और फिनिशिंग का भी, ठीक है। इसको अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, तो इस वाले के अंदर मैंने आपको बताया है जेड लेवल कॉर्नर और कॉर्नर रफ और कंटूर एरिया, नॉन स्टिप एरिया, ठीक है। तो होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, कैसे इन्हें यूज़ करना है ये सब आपको मैंने यहाँ पर बताया। ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं SNH वीडियो के साथ।